शिवाय। अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रविवार षष्ठी तिथि आज पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी शनि देव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, शांत, प्रकृति वाले, सबके प्रिय, विद्वान और खुश रहने वाले होते हैं। ये माता पिता के भक्त, ब्राह्मणों और देवताओं का आदर करने वाले, धर्म को मानने वाले, बुद्धिमान, धन और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। ये मध्यम कद, गौर वर्ण वाले, चिंतनशील, आत्म केंद्रित और समझदार होते हैं। ऐसे जातक व्यावहारिक, स्पष्टवादी, तकनीकी कार्यों में निपुण और उच्च आकांक्षी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, चंद्रमा और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज कर्क राशि में ही चलते रहेंगे। आज भी चंद्रमा की युति राहु के साथ बनी रहेगी। जिन जिन जातकों के चंद्रमा कारक होंगे उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए कार्य योजनाओं की सक्रिय मानसिकता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। भविष्य की योजनाओं में निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और साझेदारी सफल रहेगी, मगर कुछ मामलों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर पारिवारिक सदस्यों की प्रेरणा के अनुसार लेना चाहिए। सरकारी कामकाज और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा और सफलता के योग बनते हैं। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी मामलों में संतुष्टि मिलेगी और कार्य ऊर्जा बढ़ी रहेगी। नई कार्य योजनाओं के लिए रचनात्मक सक्रियता का विकास होगा और नए मामले सामने आएंगे। घरेलू संसाधनों पर निवेश की प्रवृत्ति अभी बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और अध्ययन अध्यापन में सफलता का संकेत मिलता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए धन लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और आय संबंधी नए मामले सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में विकास का दौर जारी रहेगा और पारिवारिक प्रेरणा बनी रहेगी। शुक्र का राशि पर होना लाभकारी परिस्थितियों को पैदा करता है। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर वित्तीय लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। निजी सुख और संसाधनों पर निवेश का योग बना हुआ है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग जारी रहेगा और सफलता संभावित है। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की व्यस्तता बनी रहेगी और अतिरिक्त जिम्मेदारी का संकेत मिलता है। चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में होना मेहनत करने की प्रवृत्ति को और बढ़ाने का काम करता है। विभागीय मामलों में उन्नति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक लाभ के नए विकल्प प्रस्तुत होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और निजी संबंधों में सुधार मिलेगा। अस्थायी निवेश और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी, सक्रियता बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए अपने निजी सुख संसाधनों पर खर्च की स्थिति संभावित है। यात्रा का योग बनता है, साथ ही साथ अनावश्यक विवाद या तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा पर ध्यान रखना चाहिए, गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। हालांकि कार्य क्षेत्र का निरंतर विस्तार होता रहेगा और नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव लागू होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और निजी संबंधों में मानसिक दबाव का संकेत मिलता है। संतान संबंधी मामलों में चिंता हो सकती है और अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, सफलता की संभावना बनती है। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी और धन लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं आसानी से संपन्न होंगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। साझेदारी के काम में लाभ संभव है और महिला वर्ग से अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद बनती है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से सावधानी अपेक्षित है। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा और प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि के जातकों को गुरुजनों एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद और प्रेरणा बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा।
कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, उद्देश्यों की पूर्ति होगी, नई कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी, कर्तव्य निष्ठा और दक्षता एक नए रूप में आपकी पहचान बनाएगी। मगर कार्य योजनाओं में नकारात्मक व्यक्तियों की उपस्थिति वाद विवाद और रुकावटों का संकेत देती है। फिर भी आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा, संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सावधानी रखनी चाहिए। कार्य क्षेत्र में रुकावट, अनावश्यक और अप्रत्याशित गड़बड़ी का अंदेशा बनता है। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भी सावधानी रखनी चाहिए। नई कार्य योजनाओं में व्यवस्था की गड़बड़ियां और साजिश संभावित है। अपने ही कामों के प्रति संतुष्टि की भावना में कमी महसूस होगी। आपका आत्मविश्वास और रचनात्मक सक्रियता भी प्रभावित हो सकती है। धैर्य और संयम से काम लेते हुए अपने प्रयास जारी रखें। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी और आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, सफलता संभावित है। धनु राशि वाले जातकों के परिश्रम करने की प्रवृत्ति और आत्मविश्वास में गुणात्मक सुधार मिलता जाएगा। मगर आज का दिन अनचाही यात्राओं, कुछ कामों में रुकावट और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बीच बीतेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और योजनाओं का विस्तार होता जाएगा। अतिरिक्त संसाधनों के लिए धन की आवश्यकता महसूस होगी। साझेदारी के कामों में लाभ संभावित है। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होंगे। अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बनी रहेगी और सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर केंद्रित रहेगा। आर्थिक मामले में सुधार की मानसिकता बनी रहेगी। साथ ही आपका आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति हर काम को करने में सक्षम रहेगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विभागीय अधिकारी प्रेरणा के पात्र बनेंगे और नई कार्य योजना की रूपरेखा तैयार होगी। संतान संबंधी मामलों में आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वाद विवाद और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं और अनावश्यक मानसिक दबाव महसूस होगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और कार्य योजनाएं जारी रहेंगी। सरकारी कामकाज में सहयोग मिलेगा और नए प्रस्ताव सामने आएंगे। मगर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। राहु चंद्रमा की युति आपके छठवें घर में चल रही है। विरोधी सक्रिय रहेंगे और साजिश के शिकार हो सकते हैं। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा मगर सफलता संभावित है और वाहन सावधानी से चलाएं। मीन राशि के जातकों को पारिवारिक प्रेरणा सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी। कार्य क्षेत्र में प्रयासों का दौर जारी रहेगा मगर कुछ कार्य योजनाओं में धीमी गति का संकेत मिलता है। आपका ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास प्रभावित रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव संभावित है। नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले उचित निर्णय लेना आवश्यक होगा। धन संबंधी मामलों में सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी मामलों में कुछ रुके हुए काम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा होगा, उत्साहजनक परिणाम संभावित है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।